हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेसिक विद दिव्या। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। सो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मिनीसो हॉल वीडियो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं कुछ दिन पहले चेन्नई गई थी, तो मैं वहाँ पे मिनीसो गई थी और मैंने लिया है मिनीसो के कुछ प्रोडक्ट जो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्रैवल ब्लॉग रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो ट्रैवल ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्राम एक्सटेंड कर दिया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि मैं लास्ट में गिव अवे के बारे में अनाउंस करूंगी और मैंने गिव अवे में कौन सा प्रोडक्ट रखा है वो भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर। और आपको तो पता ही होगा कि मुझे ऑर्गेनाइजर बहुत पसंद है। मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, अगर आपने मेरा वो वीडियो मिस कर दिया है तो ज़रूर देखें। और इस ऑर्गेनाइजर का एक ख़ास बात ये है कि इसमें दो जिप दिया हुआ है। एक जिप से आप कपड़ा अंदर डाल सकते हो ऑर्गेनाइज करके, और दूसरा जिप से आप उस कपड़े को निकाल सकते हो, तो उससे आपका जो एक्स्ट्रा कपड़ा डला हुआ है वो ख़राब नहीं होगा। और मैं आपको ये ऑर्गेनाइजर अभी खोल के दिखाती हूँ और इसे किस तरह से सेट करके हमें रखना है वो भी दिखाऊंगी। ये स्टोरेज बैग टू साइज में वहाँ पे अवेलेबल था, तो मैंने जो लिया है वो मीडियम साइज़ है, एक वहाँ पे लार्ज साइज भी था। तो मीडियम साइज़ का प्राइस मुझे पड़ा था 490, और जो लार्ज साइज़ था उसका साइज 700 या 750 कुछ ऐसे प्राइस था। ये इस तरह से ओपन होगा और इसमें ये दो स्टील का रॉड दिया हुआ है जिसे आपको साइड में फिट करना है, और इसमें आप कुछ भी ब्लैंकेट हो गया या उलेन कपड़ा हो गया या फिर टॉप जीन्स, आप जो भी कपड़ा रखना चाहते हो वो रख दो, फिर जीप वापस लगा दो और फिर ये यहाँ से ओपन करने का है। आपको जो भी कपड़ा निकालना है आप इसे इस तरह से ओपन करें और निकालें, आपका कोई भी और एक्स्ट्रा कपड़ा ख़राब नहीं होगा। और जैसे बड़ा साइज़ का था वो इतना बड़ा था अराउंड, और उसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा था। और मैंने ऐसा स्टोरेज बैग दो पीस लिया है। सेकेंड प्रोडक्ट है ये पाउच। एक्चुअली पाउच मुझे बहुत पसंद आया, एक तो इसमें ये ग्लिटर वर्क पूरा है और ये ट्रैवलिंग पाउच है। आप इसे इसमें आप आराम से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें अपना सामान उमान डाल के ले जा सकते हो, और अभी राखी का टाइम है तो आप इसमें राखी भी पैक करके दे सकते हो। और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 360। और अभी सबसे ख़ास बात ये है कि है ना, मिनीसो अमेज़न पे भी आ गया है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके परचेज भी कर सकते हो। सो ये पाउच इस तरह से ओपन होगा और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप देख सकते हो। इसमें बहुत अच्छा आपका मेकअप प्रोडक्ट अट सकता है, फिर आपका है ना नॉर्मल डेली पर्पज़ का कुछ भी सामान अट सकता है, कुछ भी। तो सेकेंड ये है। थर्ड प्रोडक्ट मैंने लिया था ये क्यूट सा हेडबैंड, क्योंकि मुझे मेकअप करने में हमेशा प्रॉब्लम होता था, हमेशा हेयर आगे आ जाता था, तो मैंने इसे मिनीसो में देखा तो मैंने लिया। फेशियल करने में, मेकअप करने में, कोई भी चीज़ में बहुत अच्छा लगता है ये हेडबैंड। ये कैट शेप में बना हुआ है और इसका प्राइस था 150। आई थिंक प्राइस के हिसाब से इस प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल, आपका बाल भी नहीं टूटेगा इससे एकदम। सो थर्ड प्रोडक्ट ये था। अब मैं आपको अपना फोर्थ प्रोडक्ट दिखाती हूँ। फोर्थ मैंने लिया है ये क्यूट सा इयररिंग्स, बट ये इयररिंग्स अमेजन पे नहीं था। कुछ कुछ चीज़ें जो अमेजन पे नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें जो अमेजन पे है,
सो पहला ईयरिंग्स ये है जिसमें एक सर्कल टाइप का स्टड्स बना हुआ है और एक सर्कल टाइप्स का स्टड्स बना हुआ है और एक ट्रायंगल बना हुआ है। दोनों कान का डिफरेंट डिफरेंट है और इसका एमआरपी प्राइस था 360 बट ये इयरिंग्स मुझे 50% ऑफ में मिला। और एक जो मैंने पहन रखा है वो वाला इयरिंग्स है जिसमें एक इयरिंग्स छोटा है और दूसरा बड़ा है, जैसा आप देख रहे हैं। ये इयरिंग्स से बहुत क्यूट था तो मैंने ये दो लिया तो मुझे 50% ऑफ में मिला, तो मुझे 360 में दोनों मिल गया। और ये इयरिंग्स आप देख रहे हैं ये भी बहुत क्यूट है, इसका एक्चुअल प्राइस था 460 तो मुझे ये इसी रेट में मिला, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा था। आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। और इस इयरिंग्स में क्या एक खास बात है कि इसमें जो पीछे इसका ये हुक दिया है लगाने का, इसमें डबल हुक है, अगर आप पहनोगे तो इसका ये आपके कान में गड़ेगा भी नहीं, जो इसमें जो स्टिक रहता है, तो इसमें डबल लॉक्स दिया है। और ये है फोर्थ इयरिंग्स, ये भी मुझे 360 पड़ा। नाउ कमिंग टू फिफ्थ प्रोडक्ट, मैंने एक ये नेक पिलो लिया है, ट्रैवलिंग में बहुत ही जरूरी है नेक पिलो, क्योंकि मेरे नेक्स में ऐसे भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं ट्रैवलिंग के टाइम में, तो मुझे लेना था तो मैंने लिया। और इसका फैब्रिक भी काफी सॉफ्ट है। और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 230 और काफ़ी रीजनेबल प्राइस का है ये। नाउ कमिंग टू लास्ट, मैंने एक ये ड्रायर हैंगिंग लिया है, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है ये, जब आप 10 दिन या 10-15 days के लिए कहीं जा रहे हो और आपको कुछ भी कपड़ा सुखाना है तो आप इसे कहीं भी होटल्स में या कहीं भी इसे हैंग कर सकते हो। मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। और ये मुझे 90 rupees ही पड़ा बस। ये ड्राइंग रैक्स में टोटल 6 क्लिप आती है और इसे हमें ये हैंगर दिया हुआ है, इसे हमें कहीं भी हैंग कर लेना है। ये टोटल 8 क्लिप्स है, इसमें ये रबर लगा हुआ है, आप इसे खोल लोगे और फिर देखोगे सारा क्लिप्स गिर गया और यहाँ पे आप आराम से ईज़ली कपड़ा सुखा सकते हो, ड्राई कर सकते हो आराम से कहीं भी अगर जा रहे हो ट्रैवल पे, या घर पे भी यूज़ कर सकते हो, बट घर पे उतना ज़रूरी नहीं है, बट ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है ये। सो मैंने ये टोटल 6 प्रोडक्ट ही लिया था, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट थे और सारे यूजफुल प्रोडक्ट थे। आपको अगर लेना हो तो आप मीशो के आउटलेट में जाके देख सकते हो, वहाँ का कलेक्शंस अलग रहता है और अमेजन का कलेक्शंस अलग है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेगा, अमेजन में कुछ लिमिटेड मिलेगा और मुझे जो ज़रूरी लगा मैंने वो लिया था। तो आज का हॉल इतना ही था। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा आपको मिनीसो हॉल वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना पसंद करोगे मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताना। नाउ कम टू गिव अवे, मैंने इस बार गिव अवे में रखा है नाइका का न्यूड आई शेडो पैलेट और मैंने ये वाला पैलेट अपने डे टू नाइट मेकअप लुक में यूज़ किया था। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखना मिस कर दिया है तो मैंने ऊपर सजेशन में इसका लिंक डाला है, अब जरूर जाके देखें। और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मैंडेटरी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।